स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे एक हफ्ता। स्ट्रेंथ जैसे ही गेन होती है तो ये हाइट भी बता दो, हाइट। हाँ बेटा ये सही बात पूछी आपने, हाइट। अब देखो हाथ में जान ज्यादा है, एक में कम है। हाँ, ये बहुत ज्यादा सवाल रहता भाई मेरे लिए। जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सेठी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि हमने पहले भी एक छोटी सी वीडियो डाली थी, जो बिगनर है, फ्रेशर जो है, बच्चे अपने जिम का फर्स्ट डे जो है कैसे स्टार्ट करें, और उनका जो है फर्स्ट डे सेकंड डे कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके की, जिन लोगों ने जो वीडियो नहीं देखी फर्स्ट डे का, वो जाके देख सकते हैं, लिंक हम शेयर कर देंगे। और जो अपना वीकली जो अपना वर्कआउट होगा प्लान देते हुए चलेंगे हम, किस तरीके का होगा मंडे को, जिस तरीके से अधिकतर बच्चों का जो मन रहता है चेस्ट मारने का, देखा देखी में जो है, तो मैं चेस्ट के वर्कआउट से स्टार्ट करूंगा। देखो ऐसा है, वर्कआउट वही सब है, सब कुछ है, लेकिन कुछ बच्चों को देखो ऐसा है, कोचिंग मिल जाती है कई बार नहीं मिलती है ना, ऐसी होता ना, कई बार किसी जिम के अंदर भाई सिखा दिया किसी ने और कहीं किसी बच्चे को नहीं सिखाया। तो इस तरीके से जो है इस बिगनर सीरीज से जो है हेल्प मिल जाएगी उन बच्चों के लिए, जो फ्रेशर, जो जिनका कोई मार्गदर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज का जो चेस्ट का पार्ट का वर्कआउट होगा वो लेके चलेंगे हम, पहले फ्लैट बेंच, इंक्लाइन, डिक्लाइन, तीनों पे रोड होगी, ठीक है, पैक डेक होगी, डंबल प्रेस, इंक्लाइन और फ्लैट पे। पुल ओवर के लिए जो है मैं मना करूंगा स्टार्टिंग में, क्यों मना करूंगा कि जैसे कि बच्चा बिगनर है, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे एक हफ्ता। स्ट्रेंथ जैसे ही गेन होती है तो नेक्स्ट वीक से आप पुल ओवर की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका बैलेंस ना पकड़े है ना, कहीं शोल्डर में कहीं प्रॉब्लम, इंजरी वगैरह ना हो जाए, इसलिए जो है मैं स्टार्टिंग में नहीं दूंगा पुल ओवर। अब जैसे कि हमने स्ट्रेचिंग बताई थी पहली वीडियो के अंदर, फर्स्ट डे के अंदर जैसे कि मैंने बताया, उस स्ट्रेचिंग को करने के बाद पुशअप्स क्लियर करें, पुशअप्स के बाद अपने वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए चलें। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम खाली सिर्फ वर्कआउट के जो है कुछ कुछ सेट दिखाते हुए चलेंगे और परफॉर्म करते हुए दिखाते हुए चलेंगे किस तरीके से, कैसे कौन सा सेट कैसे लगेगा, ठीक है। तो मेनली जैसे अब चार्ट लगा हुआ है जिम के अंदर, अब सिंपल सी बात है, खाली चार्ट जो है उससे भी हेल्प नहीं मिलेगी कि वर्कआउट के अंदर इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज दे भी नहीं रखी। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए, फ्रेशर के लिए जो है काफी हेल्पफुल होने वाली है, कि अपना जो है मंडे का वर्कआउट, अगर वो चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो कितने सेट हो, कैसे हो और कौन कौन से एक्सरसाइज हो। तो फ्रेशर भाई मेरे जितने भी हैं वो जुड़े रहे वीडियो के अंत तक, ताकि आपके लिए जो है छोटी सी एक नॉलेज जो लेके आए वो आप तक पहुंच जाए, है ना। तो भाई पहले जो है अपना फ्लैट बेंच स्टार्ट करते हुए चलेंगे। वार्म अप मैंने नहीं दिखाया, वार्म अप हम कर चुके अपना। बेटा वेट खाली करो। अब सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, फ्रेशर जो बच्चे हैं वर्कआउट तो चलो अपना कर रहे होते हैं वो, लेकिन मैं उनको एक बात और कहना चाहूंगा कि यार वर्कआउट के नाम याद करते चला करो। ज्यादातर बच्चों को बेंचों का नाम नहीं पता, एक्सरसाइज का नाम ही नहीं पता, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं, ताकि अगर सच में सीरियस है तो वर्कआउट करने के लिए, अगर मजे लेने के लिए जिम में आ रहे हैं, रील बनाने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है भाई। तो भाई हम पहले फ्लैट बेंच स्टार्ट करते हुए चलेंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच लेंगे। अच्छा एक चीज और, अब जैसे जिमों के अंदर जो है ना बार का वेट जो है अलग अलग होता है, तो वो जानना भी जरूरी है कि कितना आपका बार का वेट है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट बढ़ाते चले, ताकि अगले दिन जो है स्वेलिंग वगैरह ना हो बॉडी में। अब हमारी जैसे बार का जो वेट है 20 किलो है, ठीक है ना, तो पहला सेट हम खाली लेंगे, अगले सेट के अंदर 2-2.5 किलो के सेट हो जाएंगे, 10-10 रेपिटेशन रहेंगे 3 सेट, ठीक है ना। इस तरीके से अपने आपको लेके चले। अब ग्रिप का इस तरीके से अंदाजा लेना, जो आपका शोल्डर है उससे 4 उंगली वाइड, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका अंदाजा। थंब कंप्लीट रखना आपने इस तरीके से, ठीक है, मिडिल चेस्ट पे आ रहा है ये। अभी ब्रीदिंग के लिए जो है मैं फ्रेशर के लिए मना करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना वो उनका बेस नहीं बन पाएगा आने वाले टाइम में। एक हफ्ते के बाद जो है ब्रीदिंग का जो सीक्वेंस है वो भी हम लेते हुए चलेंगे। आप जैसे इसके 10 रैप होने के बाद आप 30 सेकंड का ब्रेक लेते हुए उसके बाद 2.5 किलो वेट लगाएं, ज्यादा हैवी वेट यूज ना करें, देखा देखी में जो है एक और लिफ्टिंग ना करें, 3 सेट परफॉर्म करने के बाद फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम इंक्लाइन बेंच रोड पे, ठीक है। चलो देखो ऐसा है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और थोड़ा सा बच्चों की जो है हेल्प हो जाए वर्कआउट से, सिर्फ यही बात है, क्योंकि अगर हम 3-3, 4-4 सेट लेते हुए चलेंगे और दिखाते हुए चलेंगे तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, नहीं। हाँ, अब इसी तरीके से जो है इंक्लाइन बेंच, अब हाइट मेजर करते हुए जरूर चले भाई,
जब आप रोड कम्प्लीटली लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा हाइट को ऊपर लेके चले, डंबल प्रेस जब हम लेंगे तो थोड़ा सा नीचे रखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब ग्रिप हमारी सेम ऐसी रहेगी, लेकिन जब आप रोड नीचे लेके आओगे तो अपर चेस्ट पे रोड लेके आनी है, जैसे हमने फ्लैट बेंच भी लिया था तो मिडिल चेस्ट पे आया था, इसमें यहां लेके आना, इसमें बार का जो वेट है सेम है 20 किलो, इसके भी हम 3 सेट लेके चलेंगे, 10-10 रेपिटेशन, और सेम इसी तरीके से आपने वेट बढ़ाना है, पहले 1 सेट खाली, फिर ढाई, फिर ढाई। देखो ऐसा है, बच्चों की कई बच्चों का ना बॉडी वेट के हिसाब से स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, कईयों में 65 किलो 70 किलो हो गया किसी का। अब किसी भाई का जो है बॉडी वेट कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो मैं उनको बोलूंगा कि जिनका स्ट्रेंथ कम है और स्टार्टिंग में, तो भाई अपने रैप कम करते हुए चले, 10-8-6 के हिसाब से रैप लेके चले ताकि बेस बन जाए। और जिनका बॉडी वेट ठीक ठाक है तो ओवर वेट ना ले वो, देखा देखी में जैसे 10 किलो 15 किलो, भाई पुराने बच्चा जो है उसकी तो स्ट्रेंथ बनी हुई है लेकिन नए बच्चे की है नहीं, है ना। तो इस तरीके से अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेट लेके चले, ईगो लिफ्टिंग ना करें, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है ना इस हफ्ते के अंदर आपकी गेन होगी, पहले हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर अपने अपना धीरे धीरे वेट बढ़ाते हुए चले। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम, डिक्लाइन बेंच रोड पे आ जाओ भाई, अगली एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ गए, डिक्लाइन बेंच रोड की तरफ। अब जैसे कि फ्लैट बेंच पे जो है हमने परफॉर्म करा था मिडिल चेस्ट पे, इसमें इंक्लाइन बेंच पे अपर चेस्ट, इसमें थोड़ा सा डाउन रखना है ताकि लोअर चेस्ट जो हमारी कवर हो सके। ग्रिप हमारी सेम चलेगी तीनों में, ठीक है बेटा। इसमें भी ऐसे ही आपने 10-10 रेपिटेशन निकालने और 3 सेट परफॉर्म करने अपने, और जैसे कि मैंने बताया वेट जो है धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले, ज्यादा हैवी वेट नहीं होगा, और 30 सेकंड का हर सेट के अंदर रेस्ट होगा। और अगली एक्सरसाइज की तरफ जैसे कि हम बढ़ते, चौथी एक्सरसाइज जो हमारी होगी पैक डेक, आ जाओ बेटा। हाँ बेटा ये सही बात पूछी आपने, हाइट। अब देखो हाइट जो है, जो आपका डेल्ट है इस पे असर नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि मैं, जैसे आपने टोका बहुत अच्छी सवाल था कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्या था, डेल्ट जब मैंने लिफ्ट करा था तो उस टाइम पे शोल्डर पे असर आ रहा था पूरा, तो अब क्या है कि ये शोल्डर से बैलेंस में है, ठीक है, उस तरीके से, तो ये बेस बना के चलना है ये, ठीक है ये। और ज्यादातर फ्रेशर जो है बच्चे क्या करते हैं भाई, शोल्डर से पीछे लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंजरी का कारण बन जाता है वो, तो भैया ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ जो डेल टू डेल टाइप का शोल्डर है इसके लेवल तक ही आपने लेके आना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके भी हमने 10 के 3 सेट लेने, और इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे, इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। चलो तो भाई देखो, इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस पे हम बढ़ चुके हैं, और जिस तरीके की जो हाइट थी वो ऊपर थी हमारी, अब डंबल प्रेस में हम नीचे लेते हुए चलेंगे। देखो ऊपर रखने का मेन रीजन क्या था कि ताकि शोल्डर जो है इंजर ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी हाइट कम होगी, जब आप रोड लिफ्ट करने लगोगे तो शोल्डर पे असर आएगा, जब आपकी हाइट का बैलेंस अच्छा होगा तो शोल्डर सेफ रहेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंक्लाइन बेंच में जो है ज्यादातर देखा मैंने बच्चों को इंजर्ड होते हुए, ठीक है। तो ये मेन रीजन था हाइट कम और ज्यादा करने का। अब इसके बाद जो डंबल प्रेस हम लेके चलेंगे, 3 सेट लेके चलेंगे 10-10 रेपिटेशन के। देखो मैं 10-12.5 किलो से स्टार्ट कर रहा हूँ और 15-17.5 इस तरीके से जाएगा मेरा, लेकिन आप लोगों का जैसे कि चेस्ट का पहला दिन है तो लाइट वेट से स्टार्ट करें, 5-7.5-10 इस तरीके से लेके चल सकते हो, ठीक है। अब डंबल जो है लिफ्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बैक, लोअर बैक आपने सपोर्ट में देना है और इस तरीके से लिफ्ट करना है, पहले एक इससे फिर इससे, ठीक है, ताकि आपका शोल्डर सेफ रहे बेटा। डंबल आपने सिर्फ अपर चेस्ट पे लेके आने बेटा, ठीक है। कहीं अभी जो थोड़ी देर पहले मैं लड़के को देख रहा था दूर से खड़ा होके, तो वो क्या कर रहा था गलती, डंबल पूरे वो फाड़ता वाली कर रहा, शोल्डर से ऊपर जा रहे थे और शोल्डर पे असर आ रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के अपर चेस्ट कवर होगी नहीं, तो आपने कंट्रोल में लेते हुए आराम से नीचे स्क्वीज करना, नीचे होल्ड करा
फिर उसके बाद लिफ्ट करना है। जो एक बैलेंस है आपका, इसी को बनाए रखना है, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करना, ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं करना, ठीक है बेटा। और काफी बच्चे मतलब कि मोड़ करके भी लेता हूं, वैसे नहीं लेता। देखो ऐसा रिस्ट को बैंड करने वाला जो पोस्चर है, जो वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन कर सकते हो आप, लेकिन अभी नहीं होगा जब तक आपकी मसल मैच्योर नहीं होगी और जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैं किसी का शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ, उसकी वेरिएशन चेंज करनी है, तो वो बाद की बात होगी, जब उसको हम सजेस्ट करेंगे जब होगा। जो फ्रेशर बच्चा होगा वो अपनी रिस्ट को फ्लैट फुट रखते हुए उसके बाद अपना करे, ताकि सेफ जोन में अपना बना रहे। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम फ्लैट बेंच डंबल प्रेस की तरफ। इधर बड़ा डंबल साढ़े बारह से स्टार्ट करेंगे। ये भी एक काफी बच्चों का सवाल रहता है, सबका कराने का तरीका अपना अपना है, सबका बेस्ट तरीका है। और बढ़िया बढ़िया ट्रेनर आज तो मैंने देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं बच्चों को। और जैसे कि मैंने बताया, सबका अपना तरीका अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे को जो है ना प्रेशर को पूरा कंप्लीट जम करे, जैसे कि ये वाला जो पोस्चर, ये वाला के साथ, ठीक है ना, ताकि बच्चे की लोअर बैक सेफ रहे। अब जैसे कि अगर पुराना बच्चा है या वैसे है, वो लोअर बैक यूज करते हुए मैं लिफ्ट कर सकते, इसलिए ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी करूंगा, क्योंकि प्रेशर की वीडियो बन रही है, तो प्रेशर की हालत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं कंप्लीट पूरा लेता हूँ अच्छा एक बात होगा, जो फ्रेशर बच्चे ना, उनका एक सवाल रहता है बहुत काफी कॉमन सा, वो क्या रहता है मैं बताता हूँ उनको, कि यार अभी जिम ज्वाइन कर दिया, 10-12 दिन हो चुके हैं, एक हाथ में जान ज्यादा एक में कम है, हाँ, ना? हाँ, ये बहुत ज्यादा सवाल रखा भाई, मैं देखा बच्चों को, तो मैं उन बच्चों का ये कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा पेशेंस लेवल रखे। जो आपका वार्म अप है ना स्ट्रेचिंग के बाद का, लोग एक तो स्ट्रेचिंग ना करते, मैं ज्यादातर देखा स्ट्रेचिंग ना करते, सीधा उसको भी मारे तो मारे चिपट के सीधा वर्क भाई, तो ऐसे मत करा यार, इंजरी का कारण बन जाता है। सबसे बड़ी बात सबको बता कि बच्चे बच्चे को ये बात, तो मैं तो अपने बच्चों को थोड़ा टोकता रहता हूँ इस चीज में। तो जो आपका वार्म अप है, पुलअप हो गया, बार डिप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, यहाँ से जब आपकी स्ट्रेंथ गेन हो गई और जब आप वर्कआउट खत्म करते चलोगे धीरे धीरे, तब ये लेके चलेगा। और इसका जो आज जैसे कि एक हाथ में जान ज्यादा एक में कम है, इसके लिए वर्कआउट जो है मैं परफॉर्म करवाऊंगा आने वाले टाइम में। पहले तो यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ को गेन करें, उसके बाद जब आपकी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी फिर मैं वर्कआउट दूंगा, जिससे कि बैलेंस बना लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, पुलअप जो है वो नहीं करेंगे पहले वीक में, रीजन में बताया जाता हूँ, ताकि बच्चे कंट्रोल नहीं बनेगा, शोल्डर पे इंजर्ड होने के चांसेस हो जाएंगे। तो पुल ओवर के लिए जो है मना करूंगा, क्योंकि देखो सबका अपना तरीका है करवाने का वर्कआउट, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम रिस्ट कर लेके चलेंगे, बेटा तो ढाई किलो डंबल लेकर टाइमिंग क्या होगा, जैसे जैसे बंदा पहले वो होगी, अगर साइकिल अवेलेबल है तो साइकिल करीबन 10 मिनट, उसके बाद अपना स्टार्टअप वार्म अप देके चले। तो सब मैंने चिन्स और बार डिप्स नहीं बोला अभी, क्योंकि एक हफ्ते तक जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी उसका देखा एक हफ्ते के बाद अपना इस तरीके से 25 रेपिटेशन इस तरीके से होंगी, ठीक है, और 25 रेपिटेशन इस तरीके से होंगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं फोरआर्म्स का जो है अपना वर्कआउट कम्प्लीट हो जाएगा, और डंबल का जो वेट है वो लाइट वेट रहेगा, 2.5 किलो, ज्यादा हैवी वेट यूज नहीं करता, 5 किलो 7.5 किलो से नहीं लेके चलना। अब जैसे कि मैंने अभी इससे पहले की वीडियो डाली थी, 2 से 3 दिन का जो वार्म अप था उसके अंदर ये बात कही थी कि भैया ऐसा है, देखो थाई का जो वार्म अप है वो स्टार्टिंग से लेके चले, पहले वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक, वो इसीलिए क्योंकि प्रेशर जो बच्चा जिनका है
आप उसको डायरेक्टली अगर सैटरडे को या फ्राइडे को आप थाई का वर्कआउट दे रहे हो तो 2 दिन 3 दिन उसके खिलाफ, और डर के मारे होगा ना जिम आएगा नहीं थाई, उसके अंदर डर बैठ जाएगा कि भाई थाई के अंदर इतना फेल होता ही होता है और होगा ही होगा, मानो बात को तो ये सच्चाई है। तो बच्चे का जो स्टार्टिंग से वार्म अप है धीरे 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 फिर उसका लेके चले, और किस तरीके से लेके चलना मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार मैं बताया था कि 3 सेट जो है 15-15 रेपिटेशन डेली रहेंगे, डेली आपने वर्कआउट चेक कोई भी बाई ट्राई चेस्ट बैक कोई रिस्पेक्ट लेना ही लेना है। ये आ गया नैरो में, ये वाइड में, इस तरीके से आपने करना है, और जो नी है वो टो के सामने आएगी बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अभी मेरा लोअर टाइट है, ठीक है, आप तो आ जाओ काफी बड़ा है, बच्चे से करवा भी दिखाते हैं लोअर मेरा टाइट है, चल बेटा हाँ हल्का सा पंजे को दूंगा, हाँ बस ठीक है चलो ठीक है। आप देखो जो बच्चा है उसके सामने भी आ रही है प्रॉपर, ठीक है। अब जब आप ऊपर हो गए तो नी को जो है पूरा फ्लैट नहीं करना, ताकि नी जो है वो सेफ बनी रहे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है पहले दिन 10 रैंप रहेंगे, फिर 15-15 रेपिटेशन के लास्ट तक जाएंगे फ्रंट लेग, सैटरडे को थाई का पार्ट होगा वो भी हम दिखाते हुए चलेंगे, इसके निकाल रहे हैं हमारे योग में, ठीक है। अब आप देखो जो है सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़ो स्टार्टिंग में, नेचुरल डाइट पे आओ, नेचुरल डाइट बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं वही आपकी स्ट्रेंथ गेन करते हुए करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्टार्टिंग में सप्लीमेंट ले शुरुआत में 10 दिन 12 दिन हो गए पप्पू मुझे पढ़वा नहीं, मुझे पढ़ने के साथ में कोई फायदा नहीं भाई इसका। तो जब आपका टाइम आएगा 1-1.5 महीने